नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। दोपहर होने के साथ ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि अगर इस समय में लोग घर से बाहर निकलेंगे तो उनका बीमार पड़ना तय है, क्योंकि गर्मी की मार से बचना फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है। हालांकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश के कारण लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन राजधानी पटना समेत कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में है। हीट वेव की स्थिति को देखते हुए ही अब राजधानी पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले में 10:45 तक स्कूल खोलने का ही आदेश दिया है। यानी कि डीएम ने साफ साफ 11:15 से सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के तहत जिले में धारा 144 भी लगा दी गई है। इसको लेकर राजधानी पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पटना के सभी विद्यालयों में सुबह 10:45 के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने ये आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दिया है। जिले के अधिक तापमान और विशेष रूप से दोपहर के समय भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए उक्त आदेश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिलाधिकारी की तरफ से जो नियम लागू किए गए हैं उसके अनुसार डीएम की तरफ से लगाए गए ये प्रतिबंध प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सहित जिले के सभी विद्यालयों पर लागू होगा, जो कि कल यानी कि 27 अप्रैल से लागू होगा। इसको लेकर डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस सहित सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष को उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, इसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। वहीं बिहार के मौसम की बात करें तो बिहार में मौसम का मिजाज तल्ख है। बिहार के 19 जिलों में अगले 3 दिनों तक लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो गर्म पश्चिमी हवा का प्रवाह तेजी से हो रहा है और कई जिलों में हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, जिसके प्रभाव से ही अगले 48 घंटे तक मौसम शुष्क बना रहने वाला है। राजधानी पटना की ही बात करें तो बीते 2-3 दिनों से यहां का तापमान 40 डिग्री के पार ही नजर आ रहा है, जिससे पटनावासी काफी ज्यादा परेशान है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण बिहार के 19 जिलों में तेज गर्मी और लू का असर अब देखने को मिल रहा है। पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया, अरवल, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया और मुंगेर में गर्मी और तेज हवा का प्रवाह अगले 3 दिनों तक जारी रहने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अब लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जरा सी असावधानी उनके सेहत पर भारी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने लू प्रभावित इलाके खासकर दक्षिण बिहार में दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, बाहर निकलने से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर जाए, तरल पदार्थों का सेवन करें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। ऐसे में बढ़ती गर्मी के साथ आप भी अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। आपके अनुसार पटना में स्कूल के टाइमिंग में किया गया ये बदलाव सही है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।